गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए मेरे बैल्कनी में कितना अच्छा फ्लावर हुआ है। सुबह सुबह आके देखती हूँ ना, मेरा मन भर जाता है और थोड़ा पानी भी दे देती हूँ तो सुबह सुबह इन लोगों को भी बहुत अच्छा सा पानी मिल जाता है और ये लोग अच्छे से खिलते हैं। और अभी देखिए वेदर धूप भी है और फॉग भी है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ पूरा दिन में क्या क्या खाती हूँ। तो एक दिन का रूटीन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक्स मैं बना रही हूँ अभी अभी। कुछ दिनों से मैं यही ड्रिंक्स पी रही हूँ, इसके लिए मैं बीट रूट और आंवला ले ली हूँ अच्छे से धो के, और थोड़ा सा नीम गर्म पानी इसमें ऐड करके अच्छे से इसको पेस्ट कर लूँगी। तो देखिए इसका जूस बन गया। अभी स्ट्रेनर में इसको छान लेना है। ये बीट रूट का जूस और आंवला का जूस बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है और खून के कमी अगर हुआ किसी को तो भी ये पीना अच्छा होता है। स्किन के लिए, हेयर के लिए, सब कुछ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारा फर्स्ट ड्रिंक होना चाहिए, ये आप लोग ट्राई करके देखेंगे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैं यहाँ पे जूस ले ली हूँ और इसमें अभी ऐड कर रही हूँ थोड़ा हनी। हनी तो बहुत अच्छा है, आंवला भी है और बीट रूट भी है। यहाँ पे हनी को यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे तो मेरा बीट रूट जूस रेडी हो गया। मैं अभी पहले पीती हूँ। ये पीने के बाद मैं देखी हूँ पेट थोड़ा सा भरा भरा लगता है, तो यही रीज़न है कि ये पीने के बाद आप ब्रेकफास्ट थोड़ा सा कम करेंगे तो आपका चलेगा और वेट लॉस होता है इससे। तो बीट रूट जूस पीने के बाद मैं रेडी कर लिया अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में देखिए मैं बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट ली हूँ। ये है मेरा व्हीट पास्ता विद ब्रोकोली एंड ग्रीन पीस और सीजनल फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा होता है और ये ब्रेकफास्ट के टाइम में बहुत इंजॉय करके ब्रेकफास्ट करती हूँ। तभी कोई नहीं रहते हैं घर में, मिनी भी स्कूल चली जाती है, हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं बैठ के शांति से ब्रेकफास्ट करती है। और ब्रेकफास्ट बहुत शांति से ही अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट हम लोगों को करना चाहिए। तो मेरा यही था आज का ब्रेकफास्ट। और अभी देखिए मेरा लंच आ गया। आज वेज है तो इसलिए वेज थाली बनाई हूँ। राइस में थोड़ा कम लेती हूँ और वेजिटेबल्स ज़्यादा लेती हूँ, मुझे वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। यहाँ पे देखिए सरसों का साग, ये है आलू मटर का सब्जी, ये है पापड़ जो होममेड है, चिप्स आलू चिप्स चटनी, और यहाँ पे बहुत सारा सलाद, और है यहाँ पे दाल। तो प्रोटीन भी है और हेल्दी भी है, एकदम प्योर विंटर स्पेशल भेज थाली। और यहाँ पे देखिए शाम को नाश्ता के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ तंदूरी स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न तो बहुत अच्छा लगता है खाने में और अभी बहुत अच्छा स्वीट कॉर्न मिल रहे हैं। बोलते हैं विंटर तो कॉर्न खाने का ही सीजन होता है। तो देखिए स्वीट कॉर्न को मैं पहले नमक और पानी में बॉयल कर लिया और फिर तंदूरी मसाला जो होता है तंदूरी का मैरिनेशन उसको दे के कोट कर लिया। तो इसका रेसिपी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लेंगे, पूरा रेसिपी उसमें है। और कोट करने के बाद मैं यहाँ पे गैस में ले लिया हूँ और यहाँ पे गैस पे मैं इसको शेक कर लूँगी, मतलब इसको बर्न करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे फ्लेम को मीडियम से कभी मीडियम पे और कभी हाई पे रख के इसको शेक लूँगी अच्छे से ऑल साइड से, कहीं पे भी मसाला कच्चा होना नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे इसको सेक लेती हूँ। ये कॉर्न तो ऐसे ही अच्छा लगता है स्वीट कॉर्न, और बहुत हेल्दी भी होता है, बहुत पौष्टिक है, और ऐसे आप कभी ट्राई कीजिएगा बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मेरा हो गया है ये रेडी और अभी हम लोग इसको अभी स्नैक्स में ले रहे हैं। तो ये हेल्दी भी हुआ, कोई ऑयल वगैरह नहीं है और खाना भी बहुत अच्छा होता है, बच्चे भी इसको बहुत मज़े से खाते हैं। तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसा लगा आप लोगों को।
इसके बाद मैं शेयर कर रही हूँ आपसे हमारा डिनर रूटीन। ये बहुत हेल्दी है। यहाँ पे मैं मूंग दाल और मसूर दाल ली हूँ। दो दाल मिला के खाना बनाना बहुत प्रोटीन होता है। और इसमें ऐड कर रही हूँ दलिया। आज बनाऊँगी मैं वेजिटेबल्स देके दलिया का खिचड़ी। देखिए कितना अच्छा क्वान्टिटी में ली हूँ। तीनों सेम क्वान्टिटी में है। और इसको अच्छे से धो के मैं थोड़ा टाइम के लिए 30 मिनट्स के लिए भिगो के रख दूँगी। यहाँ पर देखिए वेजिटेबल्स ले लिए है। विंटर में वेजिटेबल्स बहुत अच्छा मिलता है। आपके मनपसंद का वेजिटेबल्स लीजिए। यहाँ पे ऑनियन टमाटर है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे खाना बनाना। यहाँ पे देखिए ऑयल गरम करके मैं मस्टर्ड ऑयल ली हूँ। उसमें जीरा दिया और उसके बाद में ऑनियन और ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। मैं ग्रीन चिली कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि बच्चा खाएंगे इसलिए। और उसके बाद ऑनियन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसमें ऐड कर दूँगी मैं अभी बाकी सारे सब्जी। और सब्जी को थोड़ा सा भूनना है तो अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें। तो यहाँ पे सब्जी ऐड करके देखिए मैं भून लूँगी। आप बच्चे के लिए भी ये रेडी तैयारी कर सकते हैं। ये हेल्दी होता है, वेट गेनिंग भी होता है बच्चे को लिए। बहुत अच्छा एक हेल्दी डिनर रेसिपी है। तो देखिए अभी थोड़ा सा भून गया अच्छे से सब्जी। अभी इसमें ऐड कर दिया मैं टमाटर और टमाटर के साथ भी इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अभी इसमें ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर से थोड़ा सा भून लूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट को, नहीं तो कच्चा फ्लेवर रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसका स्मेल चला जाए तब तक हम लोग इसको भून लेंगे। अभी इसमें ऐड करती हूँ टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा करियंडर पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं नहीं भी, लेकिन देने से मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसलिए दे के ही बनाती हूँ। और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर दे दिया, स्वाद अनुसार नमक। और अभी फिर से थोड़ा अच्छे से कुक कर लेंगे कि मसाला अच्छे से भून जाए। टमाटर है तो इसलिए पानी ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। टमाटर से जो पानी रिलीज होगा उससे ही मसाला अच्छे से भून जाएगा। तो देखिए अच्छे से मसाला भून गया है, इतना अच्छा स्मेल आ रहा है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पहले से भिगोया रखा हुआ दाल और डालियाँ। तो ये ऐड करके फिर हम थोड़ा टाइम के लिए भून लेंगे। अभी एकदम लो फ्लेम में मैं 2 मिनट्स के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ऐसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और घर में बच्चा हो तो वो भी बहुत खुशी खुशी ये खाते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। मेरा तो बहुत फेवरेट है। तो आप भी बोलेंगे किस किस को अच्छा लगता है ये डालिया का खिचड़ी खाना। लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन पीस। ग्रीन पीस तो मेरा बहुत फेवरेट है और विंटर मतलब ग्रीन पीस। अभी ऐड कर रही हूँ पानी, गर्म पानी ऐड कर दिया। पानी में ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि डालिया जो है वो पकने के बाद ज़्यादा पानी में पकाएंगे तो वो नरम होता है, वो अच्छा लगता है खाने में। तो मैं बहुत सारा पानी ऐड कर दिया और अभी इसको बंद करके 2-3 सीटी लगा लूँगी मीडियम फ्लेम में। तो कुकर के अंदर का पूरा गैस रिलीज होने के बाद मैं कुकर को ओपन कर रही हूँ। और देखिए कितना डिलीशियस मेरा डलिया का खिचड़ी रेडी हो गया। और ये बहुत टेस्टी होता है। बच्चे को इसके साथ आप घी के साथ सर्व कीजिए, आप भी ले सकते हो। हेल्दी भी है एंड इतना सारा वेजिटेबल्स है। मुझे वेजिटेबल्स खाना बहुत पसंद है तो मैं सारे डिशेस में बहुत सारा वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ। और मैंने भी वेजिटेबल्स खुशी खाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रात का डिनर, एक डलिया का खिचड़ी, एक बैगन फ्राई और रोस्टेड पापड़। तो यही था मेरा पूरा दिन का खाने का रूटीन। मैं क्या क्या खाती हूँ आप लोगों से शेयर किया। देखिए थोड़ा सा घी ऐड कर दिया तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बोलेंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।